नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। भारत में दोस्तों लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, 4 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और ये क्लियर भी हो गया है कि कौन इस बार तख्त पर बैठने वाला है। ये तो हो गई दोस्तों एक बात। इसी के साथ साथ देश में अब आचार संहिता भी एक दो दिन में ख़त्म होने वाली है, चूँकि प्रधानमंत्री जी अब शपथ ले लेंगे एक दो दिन में, हो सकता है 8 जून तक वो शपथ ले लें, मतलब देश को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं खास करके वो कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं, मतलब उसके फाइनल रिजल्ट को लेकर के। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अब तक तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आ नहीं सकते थे क्योंकि आचार संहिता लगी थी और आचार संहिता में कोई भी नया काम या रिजल्ट नहीं निकाले जाते हैं, ये वाली बात आप भली भांति जानते हैं। तो अब क्या है दोस्तों, काम सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा और अब और ज़्यादा अच्छे सुचारू ढंग से काम शुरू होने की संभावना इसलिए है क्योंकि यूपी में युवा काफ़ी नाराज़ दिखा है वर्तमान सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, और किसान भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दिए हैं। तो युवाओं के हक में जो काम नहीं किए गए तो युवाओं ने अपना रोष दिखा दिया, अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि काम बड़ी तत्परता के साथ यूपी ट्रिपल एससी करने वाली है और इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आज कल में, आज तो नहीं लेकिन कल या परसों में, फ्राइडे या सैटरडे में एएसओ का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और 15 जून तक हो सकता है कि जेई 2018 का भी रिजल्ट आ जाए और इसी के साथ साथ वन रक्षक का जो मेडिकल का रिजल्ट अटका हुआ है वो भी इन्हीं 15 दिनों में आ सकता है, मतलब 15 जून तक ये 3 रिजल्ट हाईलाइटेड हैं कि इनको आना ही है और इसी महीने में एक बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है बीडीओ वाला। अब इन सारे रिजल्ट्स को देखते हुए आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने एएसओ की बात की, जेई की बात कर ली, वन रक्षक की बात कर ली, लेकिन आपने इसमें कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट की अभी कोई संभावना जाहिर नहीं की है कि वो रिजल्ट कब तक आएगा। तो भाई साहब देखिए, आप लोग हो सुस्त, है ना, सुस्त होने के साथ साथ आपकी वैकेंसी भी सुस्त है, आप लोग उससे भी ज़्यादा सुस्त हैं। कोई व्यक्ति अपनी तरफ से, कोई भी दोस्त हमारा अपनी तरफ से पहल करने को तैयार नहीं। इस वीडियोज पे जितने व्यूज आएंगे, मतलब आने वाले 3 से 4 दिन में लगभग 2000 व्यूज में मान के चलता हूँ कि आ जाने चाहिए, इसका 1/10 भी अगर दोस्त अपनी तरफ से पहल कर लें, मतलब सिर्फ 200 लोग, 200 भी ना करें तो सिर्फ 20 लोग आगे आ जाएं और वो दोस्त क्या करें। देखिए अब जनता दरबार शुरू हो गया है ना, जनता दरबार मतलब योगी जी ने शुरू कर दिया है कि लोगों की जो समस्या है भाई उनका देखा जाए कि क्या हुआ यूपी में ये, तो इसको देखते हुए योगी जी ने जनता दरबार फिर से शुरू कर दिया है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये जो 2 तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार की ही हैं। यहाँ पर हमारे यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, एक तरफ जो बैठी हुई महिलाएं हैं ये मुख्य सेविका की हैं और दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं वो जेई 2018 वाला जो रिजल्ट अटका हुआ उसके लिए गए हुए हैं कि योगी जी जरा इनका भी संज्ञान लीजिए और ये जल्द से जल्द, बहुत लंबे समय से पेंडिंग में चल रहे हैं रिजल्ट, इनको जल्द से जल्द निकलवाइए। अब गोरखपुर के आसपास के बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे, ये मैं मान के चल सकता हूँ 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 40-50 दोस्त जरूर रहते होंगे, 10-20 तो गोरखपुर के ही होंगे। गोरखपुर के आसपास बहुत सारे ज़िले लगते हैं जहाँ से कंबाइंड टेक्निकल के दोस्त होंगे, चाहे वो फार्मेसी के हों, लैब वाले हों, हवलदार वाले हों या फिर दूसरी पोस्ट वाले भी हो सकते हैं, होंगे तो ज़रूर। अब मुख्यमंत्री जी से आके एक बार हम भी अपनी रिक्वेस्ट विनम्रतापूर्वक रख सकते हैं, भाई बात रखने का अधिकार तो सबको है, तो हम भी तो ये काम कर सकते हैं कि सर ये हमारी वैकेंसी 2016 की है और ये मत कह देना हमसे जाके कि अखिलेश के टाइम की है। तो विनम्रतापूर्वक दोस्तों हमें उनसे अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि आज आयोग में मीटिंग हुई है और आज आयोग में मीटिंग हुई है तो जितने भी विभाग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में उनके सभी जो सचिव वगैरह, डायरेक्टर वगैरह सबको बुलाया था योगी जी ने और सबसे उनके विभाग की कार्य योजना के बारे में बात की है, कहा है कि कामों में लापरवाही ना बरती जाए, कामों को समय से पूरा किया जाए। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव को भी आमंत्रित किया था जहां तक सूचनाएं आ रही हैं, कहा था कि जितनी वैकेंसियां पेंडिंग में हैं उनको समय रहते कंप्लीट कराइए और नए विज्ञापन जैसे जैसे अधियाचन, आप ऐसे ना है कि अधियाचन विभाग से आ गया और आपने यूपी ट्रिपल एससी आयोग में फंसा रखा, उसको भी आगे बढ़ाइए, मतलब नोटिफिकेशन और नौकरियाँ भी निकालते रहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है और ख़ास करके अल्टीमेटम ये दिया है कि जो पेंडिंग वैकेंसियाँ हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाइए। अब आप लोग कहेंगे कि सर चलिए हम फाइनल रिजल्ट के लिए भागदौड़ कर लेते हैं, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आ सकता है क्योंकि इसमें एक पोस्ट ऐसी है जिसके लिए फिजिकल होना है और अभी तक उसका फिजिकल हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने भी एक गलती किया,
जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया था उसी में एक नोटिस निकाल के बता देते कि जितने भी हवलदार वाले बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट में कराया जाएगा, इस डेट से इस डेट तक कराया जाएगा अगर बच्चे ज़्यादा थे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनका फिजिकल होगा, PHT या फिजिकल जो भी है, मतलब रेस वगैरह तो खैर नोटिफिकेशन में इन्होंने नहीं उजागर किया है, अगर होती है तो बता देते कि भैया इतनी रेस आपसे कराई जाएगी, ये आपका हाइट और चेस्ट मांगा जाएगा, ये सारे काम उसी टाइम निपटा देते। अब भर्ती को ज़बरदस्ती फंसाने के चक्कर में कि अलग से एक नोटिस निकाला जाएगा, फिर इनका फिजिकल करवाया जाएगा, फिर फिजिकल का रिजल्ट निकाला जाएगा, तब जाके फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा, या तो आप एक काम करिए बाकी पोस्टों का रिजल्ट निकाल दीजिए, हवलदारी वाली पोस्ट को रोक लीजिए, भाई उसका फिजिकल PHT वगैरह जो भी आपको कराना है कराते रहिए, लेकिन बाकी जो और पोस्ट है आपने 19 रोक रखी हैं उनको तो कम से कम भैया उनका रिजल्ट, उन बच्चों की क्या गलती है जिन बच्चों ने लैब के लिए दिया, सिनेमा ऑपरेटर के लिए दिया, सिविल कंस्ट्रक्शन वाले पोस्ट के लिए दिया है या फिर फार्मेसी वाली पोस्ट के लिए दिया है, उनका तो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट के बाद उन्हें क्लियर हो जाएगा कि हमारी जॉब लग रही है या नहीं लग रही है। अब एक पोस्ट के चक्कर में बाकी 19 पोस्ट के बच्चे पिस रहे हैं, तो या तो आयोग ये करे कि भैया जल्दी से नोटिस निकाले, जून में ही नोटिस निकाल दे और जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक फिजिकल विजिकल करा के और जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट दे दे, एक रास्ता ये हो सकता है। वैकेंसी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है दोस्तों, आपको पता है 2016 की वैकेंसी है, मान के चलो ये वैकेंसी अगर 2018 तक कंप्लीट हो गई होती तो अब तक जो बच्चे सेलेक्ट होते उनके खाते में 6 साल की सैलरी आ गई होती। अगर एक साल की सैलरी 30,000 रुपये से 3 लाख भी पकड़ के चलते हैं तो 6 से 18 लाख रुपये प्रत्येक कैंडिडेट को नुकसान है, और इसका जिम्मेदार कौन है? योगी जी यानी कि सरकार, योगी जी है तो योगी जी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, सरकार में भी वो ही है। तो 18 लाख का प्रत्येक बच्चे का नुकसान हो रहा है, हो गया मतलब, तो युवाओं ने अगर कुछ सीटों का नुकसान कर दिया तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं किया है ना भाई, 18 लाख का आपने प्रत्येक बच्चे का नुकसान किया 2016 से, कंबाइंड टेक्निकल की बात कर रहा हूं, और बाकी वैकेंसी 5-5, 6-6 साल से करोड़ों रुपये का नुकसान बच्चों का हो गया। उम्र जा रही है वो अलग, किसी की शादी नहीं हो पा रही नौकरी के चक्कर में वो एक अलग है ना। तो चलिए दोस्तों ये तो एक बहुत अलग वाला आंकड़ा हो गया, हमारा सवाल ये था कि योगी जी के पास हम लोग जाएं और मतलब उनको याद दिलाएं ताकि वो भाई टाइट तो करेंगे कम से कम, किसी से तो कहेंगे अपने कर्मचारी से कि यार आयोग में फ़ोन करके जरा कहो कि जरा ये पेंडिंग भर्ती है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि जल्दी से उनको निपटाओ, तो मतलब एक हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा। तो भैया ये थोड़ा सा कदम आप उठाइए मेरे दोस्त मेरे भाई, और योगी जी ने आपको पता है दरबार लगाना शुरू कर दिया, जब भैया जेई वाले 18 वाले जा सकते हैं, महिलाएं जा सकती हैं मुख्य सेविका वाली, अभी और बच्चे भी जाएंगे, बंदरगाह वाले भी जाने की तैयारी करने के, मुख्यमंत्री जी से मिल के आएँ, इस बार नहीं कम से कम मुख्यमंत्री से तो मिलना हो जाएगा आपका।